हेलो बच्चों बच्चों, अब हम करते हैं कक्षा 4 की सप्ताह 15 की वर्कशीट। आज करेंगे विषय गणित और उसमें करेंगे हम तरल को मापना भाग 2। चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, अपने दैनिक उपयोग की उन वस्तुओं को सूचीबद्ध करें जिन्हें लीटर और मिलीलीटर में मापा जाता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको हम लीटर में नापते हैं, और यहाँ उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको हम मिलीलीटर में नापते हैं। चलिए करते हैं। तो लीटर में मापने वाली चीज़ें हैं दूध और पानी, मिलीलीटर में नापने वाली चीज़ें हैं दवाई और तेल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 कहता है, एक बाल्टी में आप एक बार में कितने लीटर पानी उठा सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हर बच्चा अलग अलग भार उठा सकता है। मैं इसमें लिखता हूँ कि मैं एक बार में एक बाल्टी में से 10 लीटर पानी उठा सकता हूँ। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित के लिए उपयुक्त इकाई लीटर या मिलीलीटर का उपयोग करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ दे रखा है नापने की चीज़ें, आपको ये बताना है कि इनको हम किस में नाप सकते हैं, लीटर या मिलीलीटर में। तो करते हैं, एक छोटे कप में पानी, इसको हम नाप सकते हैं मिलीलीटर में, क्योंकि छोटे कप में जो पानी आता है वो बहुत कम आता है, उसको लीटर यानी बड़ी मात्रा में नहीं नाप पाएंगे। अब आता है पानी की टंकी में पानी। पानी की टंकी बहुत बड़ी होती है, तो उसको नापने के लिए हमें बड़ी इकाई चाहिए होगी, जो कि होगी लीटर। चम्मच में कफ सिरप, चम्मच में कफ सिरप को नापने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिलीलीटर का। तेल की टंकी में तेल, इसको हम नापेंगे लीटर में। और एक आई ड्रॉपर में आई ड्रॉप, इसको नापेंगे मिलीलीटर में। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित को हल करें। इसमें फर्स्ट पार्ट कहता है कि अमन की बोतल में 1 लीटर पानी था, उसने अपनी बोतल में से 250 मिलीलीटर पानी पिया और उसके दोस्त गोविंद ने उसमें से 150 मिलीलीटर पानी पिया। अब बोतल में कितना पानी बचा है? तो बच्चों, बोतल में पानी था 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। अमन ने पिया 250 मिलीलीटर पानी, तो वो हमने यहाँ माइनस कर देंगे इसको। और उसके दोस्त गोविंद ने पिया 150 मिलीलीटर पानी, 150 मिलीलीटर पानी, तो हम वो भी माइनस करेंगे। तो हमने 1000 मिलीलीटर में से 250 और 150 मिलीलीटर पानी माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के बाद में हमें उत्तर मिलेगा 600 मिलीलीटर। इसका मतलब बोतल में 600 मिलीलीटर पानी बचा है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। नीतू को एक दिन में 3 इंजेक्शन लेने होते हैं। यदि एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवाई है, तो एक दिन में वह कितनी दवाई लेती है? तो बच्चों, 3 इंजेक्शन लगाने होते हैं 5-5 ml के, तो देखिए 5, 5 और 5, तो ये मिलकर के बनेंगे 15 मिलीलीटर। इसका मतलब नीतू को एक दिन में 15 मिलीलीटर दवाई लेनी होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि नीचे दी गई तालिका में 3 सदस्यों के परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग किए गए पानी की मात्रा को दिखाया है। बच्चों, जो टेबल लिखी है ना, इसमें दिखाया गया है कि 3 सदस्यों वाला एक परिवार है, वो दिन में कितना पानी किस किस में इस्तेमाल करता है। जैसे नहाने में इस्तेमाल करते हैं 20 लीटर पानी, पीने में करते हैं 12 लीटर पानी, कपड़े धोने में करते हैं 40 लीटर, बर्तन साफ करने में करते हैं 8 लीटर पानी का इस्तेमाल। तो अब जो है ना, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला पार्ट है, परिवार द्वारा एक दिन में कितने लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। तो एक दिन में पानी का उपयोग करने के लिए हम इन सबको ऐड कर लेंगे और इसका उत्तर आएगा 80 लीटर। सेकंड पार्ट कहता है, यदि आपके पास मापने के लिए 1 लीटर व 5 लीटर के ही बर्तन हैं, तो आप इस परिवार की विभिन्न गतिविधियों के लिए पानी की मात्रा कैसे मापेंगे? आप ये कहता है कि आपके पास 2 ही बर्तन हैं, एक 1 लीटर वाला है और एक 5 लीटर वाला है, तो आप इन सबको कैसे नापेंगे इन 2 बर्तनों से? तो जैसे 8 लीटर को नापने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 लीटर 5 लीटर नाप लेंगे 2 बार, 10 लीटर हो गया, उसमें से 1-1 लीटर पानी हम निकाल देंगे, यानी 2 लीटर पानी निकालेंगे, तो हमारे पास बचेगा 8 लीटर पानी। अब देखते हैं 20 लीटर पानी कैसे करेंगे। 20 लीटर पानी के लिए हम 5 लीटर वाले बर्तन को 4 बार भर करके निकाल लेंगे। 40 लीटर पानी के लिए हम क्या करेंगे, 5-5 लीटर के पानी बर्तन में हम पानी लेंगे 8 बार, तो ये मिल जाएगा हमें 40 लीटर पानी। और 12 लीटर के लिए हम क्या करेंगे, 12 लीटर के लिए हम 5 लीटर वाले पानी से 5 लीटर के बर्तन से हम 2 बार पानी निकालेंगे और उसमें 1-1 लीटर पानी के बर्तन से 2 बार निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास में कुल मिला के 12 लीटर पानी हो जाएगा। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि यदि 1 लीटर की बोतल को पूरी भरने के लिए पानी से भरी 5 छोटी बोतलें उड़ेली गईं, तो प्रत्येक छोटी बोतल में पानी की मात्रा कितनी थी? देखिए, ये 1 लीटर बोतल पानी है, इस पानी को इन 5 बोतलों में बराबर आ गया, तो हमें पता करना है कि इस 1 बोतल में कितना पानी था। तो बच्चों, 1 बोतल में पानी आएगा 200 मिलीलीटर, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने 1000 मिलीलीटर को हमने 5 से भाग दे दिया, तो हमारा आंसर आएगा 200 मिलीलीटर।